आज 19 जून 2021 आज की साकार मुरली मीठे मीठे बाबा कहते मीठे बच्चे तुम महान सौभाग्यशाली हो। कौन हो आप? महान सौभाग्यशाली हो। क्यों? सौभाग्यशाली का मतलब क्या होता है? सौभाग्यशाली, सौ सौ परसेंट भाग्यशाली, 99 नहीं, 88 भी नहीं, 8 भी नहीं, 10 भी नहीं, कुछ नहीं, 100% कंप्लीट भाग्यशाली। बाबा किसी बच्चे को यह नहीं कहता कि तुम भाग्यशाली हो, सौभाग्यशाली, 100% भाग्यशाली। क्यों क्यों 100% भाग्यशाली हो आप? क्योंकि तुम्हें भगवान वो पढ़ाई पढ़ाते हैं जो अब तक किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ी। वो आज तक नहीं पढ़ पाए। प्रश्न, ड्रामा की कौन सी भावी तुम बच्चे जानते हो, दुनिया के मनुष्य नहीं जानते? भावी, होने वाली बात। ड्रामा की कौन सी भावी जो होने वाली है वो तुम बच्चे जानते हो, दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। विनाश होने वाला। तुम जानते हो कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, ये हम जानते हैं। वो ज्वाला कौन निकालेगा, कैसे निकालेंगे, क्या होगी वो ज्वाला, कैसे वो आग सारी दुनिया को जला देगी? क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी जो ज्वाला है, आदेश देने की शक्ति है, वो है संकल्प शक्ति। हमारा संकल्प इतना पावरफुल होगा, इतना प्योर होगा, इतना एक्यूरेट होगा कि उन विनाशकारी रिमोट पकड़कर बैठी हुई आत्माओं को हम आदेश देंगे, वो आदेश नहीं देंगे। जो वहां के राष्ट्रपति हैं या वहां के गवर्नर हैं, जो भी मतलब मार्शल हैं, चीफ हैं आर्मी के, और वो ऑर्डर नहीं करेंगे। ऑर्डर कौन करेंगे? और वो तो केवल बटन दबाएंगे। इसका भी कारण है, क्यों वो ऑर्डर नहीं करेंगे? क्योंकि वो ऑर्डर करेंगे उस सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के बाद, और हमने ऑर्डर करना है जब हम सुरक्षित स्थान में पहुंच जाएं। जब हम सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएंगे तब हम ऑर्डर करेंगे, क्योंकि सतयुग में जाने वाले ऑर्डर करेंगे ना। हमें वो सौभाग्य मिलेगा पता नहीं, परंतु जो उस सुरक्षित स्थान पर पहुंचने हैं, जिनको बाबा का इशारा मिलेगा कि उधर चले जाओ, और वो वहां चले जाएंगे, वो सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएंगे और ऑर्डर होगा, क्योंकि उन्होंने तो मरना है, उनका तो जन्म विकार से हुआ है। उनका जन्म तो क्या हुआ है?
विकार से हुआ है, उनका शरीर तो सुरक्षित रह नहीं सकता, होलिका तो जलेगी जलेगी, बचेंगे तो प्रहलाद बचेंगे, हमारा नाम उसमें आएगा तो हम सब भाग्यशाली होंगे। हमारा भाई है, भाई तो हमारे वो भी हैं जो जलेंगे हमारे साथ। हम कहां से पैदा हुए, हम कहां से पैदा हुए, हम भी विकार से पैदा हुए हैं, हमारा शरीर भी ये जलेगा, हमारा ये शरीर भी जलेगा। सौभाग्यशाली तब है दादियों की तरह हम भी शरीर छोड़े और जाके कृष्ण के साथ जन्म ले लेवे, दो चार साल, छह महीने, चलो एक महीना, दो महीना, कुछ भी खेलने का मौका मिल जाए और वापिस आके हम अपने शरीर को पहन ले, तब तो है बात, क्या नहीं? नहीं तो फिर ये भी हमारा जलेगा, तो ये शरीर तो जलेगा जलेगा जलेगा, आज निश्चित है, समझ में आ गया ना? क्योंकि जब तक ना समझ में आए तब तक बात अलग है। रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, विनाश ज्वाला को यहां से आग नहीं निकलेगी जो वहां जला दे, परंतु संकल्प यहां से निकलेगा। मैंने बताया था कि एक बार ब्रह्मा बाबा ने भी संकल्प करने की कोशिश की थी, याद आता है? नहीं आता। ये मुरली मैंने डायरेक्ट सुनी, किस डेट की मुरली है मुझे नहीं मालूम, परंतु बाबा ने कहा, आज मैं आपको एक चुटकुला सुनाऊं, चुटकुला याद आ रहा है ना? बाबा कहते ब्रह्मा बाबा को संकल्प आया, ये तो ऐसे ना सुधरे, हम कब तक बैठे रहेंगे, विनाश तो करना है, चलो मैं सारे ब्रह्मा कुमार जो एडवांस पार्टी वाले हैं उन जो भी मतलब उनके संकल्पों को कैच कर सकते थे उन सबको इन्वाइट किया कि करो संकल्प विनाश, और विनाश का परिवर्तन का क्या करो, संकल्प करो। उन्होंने संकल्प किया, कुछ भी नहीं, धुआं उठा, कुछ नहीं, ठीक नहीं? मतलब ये बात चुटकुला कौन सुना रहा है, शिव बाबा, धुआं उठा कुछ नहीं हुआ, मतलब ब्रह्मा बाबा को भी नहीं मालूम कि विनाश कब होगा, कैसे होगा, परंतु उसे क्योंकि माँ है, मतलब ये बात सुन करके मुझे समझ में आई बात कि ब्रह्मा बाबा भी नेक्स्ट टाइम में क्या होने वाला है, परिवर्तन कब होने वाला है, उसे नहीं मालूम, नहीं मालूम। शिव बाबा इतना पक्का है, ब्रह्मा बाबा को भी नहीं बताता, हमें तो तब बताएगा ना, वो भी कहता है कि मैं एक सेकंड पहले ना बताऊं, जो मुझे कल पढ़ाना है मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा, पोल खुल जाएगी, है नहीं? मतलब शिव बाबा भी वंडरफुल, ब्रह्मा बाबा भी वंडरफुल, और इस बात से समझ में आया कि विनाश ज्वाला रुद्र यज्ञ से कैसे निकलेगी। अब सारी पुरानी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी, ये भावी कोई टाल नहीं सकता, ये भावी कोई टाल नहीं सकता, ये ऐसा अश्वमेघ अविनाशी रुद्र यज्ञ है। इसे अश्वमेघ क्यों कहा, कौन बताएगा? इसे अश्वमेघ अविनाशी रुद्र यज्ञ कहा है क्यों? वो तो दुनिया वाली रामायण में राम ने घोड़ा छोड़ा था कि जो राम ने भी, और कि कोई भी इसको रोकेगा या तो उसे युद्ध करना होगा और या फिर अपने आप को अधीन करना होगा, हार स्वीकार करनी होगी, मतलब विश्व में कोई भी मुझे मेरे को जीता हरा नहीं सकता, लव और कुश ने पकड़ लिया था। अब यहां घोड़े का क्या मतलब है कि मुझे संसार की कोई भी माया हरा नहीं सकती, ये शरीर मेरा घोड़ा है, इस शरीर से मेरे पास कोई भी संकल्प नहीं आ सकता जिसके आगे मुझे हार खानी पड़े।
अश्व मेघ इस घोड़े को कंट्रोल करने वाला, नियंत्रण करने वाला ये अविनाशी रुद्र शिव बाबा का, ये अविनाशी जो कभी विनाश नहीं होता, ऐसा ये यज्ञ है जिसमें हम मंत्रों के द्वारा, मंत्र माना कौन देता है सलाह, रुद्र शिव बाबा जो सलाह देता है, उन सलाहों पर चलकर हम अपनी कर्म इंद्रियों के इस घोड़े के राजा बनते हैं। और ये शिव बाबा आकर अविनाशी सलाह देता है, जो कल्प कल्प आकर के यही सलाह देता है जिससे हम अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बनते हैं, ना कि कोई घोड़ा छोड़ा जाता है जिसको कोई पकड़ेगा तो हार स्वीकार करनी होगी। हमने इस देह को, इस अश्व को छोड़ा हुआ है, कोई भी बात इस शरीर के माध्यम से हमें अपने नियंत्रण में नहीं कर सकते, हमें नहीं हरा सकते। कोई सोना, कोई खाने की चीज, कोई पहनने की चीज, कोई संबंध, कोई भी किसी भी तरीके से हमें ना हरा सके, तब हम समझो राजयोगी हैं, तब हम समझो हमने ये अविनाशी अश्वमेघ रुद्र ज्ञान यज्ञ किया। अब उनको तो पता ही नहीं बेचारा, जिसमें सारी सामग्री स्वाहा होनी है, और वो क्या करते हैं, ढेर सारी सामग्री बना के डालने के लिए भी हाथ नहीं यूज किए जाते उसमें, क्योंकि मैंने उस यज्ञ को होते हुए देखा है अपने गुड़गांव के अंदर, कमला नेहरू पार्क के अंदर, जिसमें बड़े बड़े बांस से कड़छी बांध करके कड़छी से घी डाला जाता है, नहीं बड़ी बड़ी कड़छियां, छोटी कड़छियां नहीं, चम्मच वाली सब्जी बनाने वाली, कड़छे से घी डाला जाता है, कड़छे से ही सामग्री डाली जाती है, हाथ से नहीं, क्योंकि आग बहुत तेज होती है, चारों तरफ बैठे होते हैं, हाँ जी, जो का क्या वहां तक पहुंचा नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत बड़ा कुंड बनाए हुए थे और फिर चारों तरफ पूरा कमरा पार्क घेर रखा था, अलग स्टेज बनी हुई थी, वहां गीता पढ़ रहे हैं सारे, एक अलग स्टेज बनी हुई थी वहां भागवत पढ़ रहे हैं, एक स्टेज बनी हुई थी, अच्छा एक नहीं पढ़ रहा है, ढेर सारे एक साथ पढ़ रहे हैं, और किसी को ना समझ में आवे क्या बोल रहे हैं, तो कोई की लाइन कहाँ जा रही है, कोई की लाइन कहाँ जा रही है, मतलब ढेर सारे लोग ब्राह्मण बैठ करके भी 108 बिठाए हैं, कितने बिठाए होंगे मैंने गिनती नहीं किए, तो मैं देख रहा हूँ कि एक तरफ ब्राह्मण गीता पढ़ रहे हैं, एक तरफ रामायण पढ़ रहे हैं, एक तरफ भागवत पढ़ रहे हैं, मतलब अलग अलग पढ़ रहे हैं, और सब माइक पर पढ़ रहे हैं, यानी कि चुपचाप पढ़ रहे हो, और उधर पंडित जी मंत्र बोले जा रहे हैं और उधर वो सामग्री डाले जा रहे हैं, यजमान मतलब बड़े बड़े प्रातों में सामग्री लाके लाया जा रहा है और वहां डालने का। फिर हम इस पति दुनिया में नहीं आए, ये सामग्री साफ शरीर भी खत्म, ये दुनिया का जो कुछ भी हम इन आंखों से देख रहे हैं उस एक ही संकल्प में खत्म हो जाएगा, और फिर हम इस दुनिया में, इसे कहते हैं ईश्वर की भावी, कहेंगे इसे ईश्वर की भावी नहीं कहेंगे, किसकी भावी कहेंगे, ड्रामा की भावी, देखा हमारी भावी भी नहीं, जो विनाश का संकल्प करेंगे उनकी भी नहीं, बाबा की भी नहीं, अपने आप को भी बचा लिया और हमें को भी, हमें भी बचा दिया, नहीं तो हम अपने ऊपर ले लेते, क्योंकि हमने विनाश का संकल्प किया है, हमने हमने विनाश का संकल्प किया, इसलिए हम अपने ऊपर भी ले लेते, हमारा भी कसूर नहीं है, ठीक है कि नहीं, बाबा का भी कसूर नहीं है, तो कसूर किसका है, ड्रामा, अब ड्रामा का कोई कुछ बिगाड़ ना सके उसका, मुखड़ा देख ले प्राणी
दर्पण में। ओम शांति। तुम बच्चे भी मनुष्य हो, ये मनुष्य की सृष्टि है, इस समय तुम ब्राह्मण धर्म के मनुष्य बने हो। बाप शिक्षा देते हैं आत्माओं को, आत्मा को भी अपना स्वधर्म का पता है कि हम आत्मा इस शरीर को चलाने वाली हैं। आत्मा का ये रथ है, जैसे बाप इस रथ पर आकर सवार हुए हैं, तुम्हारी आत्मा भी इस रथ पर सवार है। सिर्फ आत्मा को ये ज्ञान भूल गया है कि हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। हमारे इस रहने के स्थान को ही मूल वतन में, हमारा रहने के स्थान का है मूल वतन में है ये शरीर, हमको यहाँ मिलता है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है कि हम तो मूल वतन में रहने वाले हैं, ये शरीर तो हमको यहाँ मिलता है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। बाप कहते हैं तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, अगर तुम चाहो हम शांति में बैठे तो अपने को आत्मा समझ, शांति धाम के निवासी समझो। बैठ करके क्या करो, समझो कि हम कहां से आए हैं, शांति धाम। अब हमें कहां जाना है, शांति धाम। थोड़ा समय शांति में बैठ सकते हैं, संकल्प तो फिर चलेंगे, है नहीं? मनुष्य शांति ही मांगते हैं, मन को शांति चाहिए, ये आत्मा ने कहा, परंतु मनुष्य ये नहीं जानते हैं कि मैं आत्मा हूं, ये भूल गए। एक कहानी है ना, कहानी भी है, क्या है कहानी, रानी के गले में हार पड़ा था और ढूंढती थी बाहर, तो फिर कैसे बताया दासी ने, रानी को ऐसे नहीं कह सकती कि आपके गले में है, दासी ने कहा मिल गया हार, कहाँ है, कहते आओ चलो, नहीं ऐसे कह दे तो फांसी की सजा हो जाए, नहीं उसको लेके गए शीशे के सामने पूरा, है ना, दिमाग से काम लिया, ऐसे दोष नहीं दे सकते कि आपके गले में, उसके गले में, वो उसके, हाँ। एक कहानी भी है ना, रानी के गले में हार पड़ा था और ढूंढती थी बाहर, तो बाप ने समझा, बाप समझाते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है, शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। बच्चों ने समझा हम आत्माएं शांत स्वरूप हैं, समझ में आ गया ना, ये यहाँ आई हैं क्या करने के लिए आए हैं, यहाँ पर पार्ट बजाने, यहाँ आए हैं पार्ट बजाने। इन आर्गन से डिटैच हो जाते हैं तो आत्मा शांत हो जाती है, शांत है आत्मा अपने स्वधर्म शांति में, जितना जितना चाहे बैठ सकती है, चाहे चाहो हम इस शरीर से काम ना करें तो शांति में बैठ जाओ, ये है सच्ची सच्ची शांति। इसको तुम ढूंढते नहीं, तुम्हारा स्वधर्म शांति है। आप यहाँ पाठ बजा रहे हैं, बाप द्वारा मालूम पड़ा है हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया है, इन 84 जन्मों के चक्र का कोई को पता ही, दुनिया में किसी को भी पता, सिर्फ तुम बच्चे ही समझते हो। पहले पहले हम सूर्यवंशी राजा व प्रजा थे, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी बने, अब फिर से हम सूर्यवंशी बनना है, पहले ब्राह्मण बनेंगे फिर सूर्यवंशी बनेंगे। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो, तुम कितने सौभाग्यशाली हो, बात तो यथार्थ बात समझाते हैं, ये है ही सदगति मार्ग, ये समझाना है कि सर्व का सदगति दाता एक है। अभी जान गए हो हमको बाबा आकर 21 जन्मों के लिए सदगति प्राप्त करा रहे हैं, बाहर वाले मनुष्य इन बातों को जानते ही नहीं, तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां ही जानते हो। कोई पूछते हैं तुम भी के क्या जानते हो, परीक्षा तो होनी चाहिए कि क्या जानते हो तुम, कि ब्राह्मण वा ब्राह्मणी है वा नहीं, परीक्षा तो होनी चाहिए ना, कि ब्राह्मण वा ब्राह्मणी है वा नहीं,
अगर तुम ब्रह्मा के बच्चे हो तो सृष्टि चक्र को जरूर जानते होंगे। सृष्टि चक्र को नहीं जानते तो कुछ नहीं। बाप रचयिता को जानते हो, ऋषि मुनि आदि तो रचता और रचना को जानते ही नहीं, तो गोया वो सारे क्या हैं? वो सारे क्या हैं जो ऋषि मुनि नहीं जानते? वो सारे क्या हैं? नास्तिक। नास्तिक किसे कहते हैं? जो बाप को नहीं जानते। और बाप की श्रीमत को मानेंगे कहां से? जानते ही नहीं तो मानेंगे कहां से? और दुनिया वाले क्या कहते हैं? नास्तिक किसे कहते हैं? दुनिया वाले हैं जी, जो भगवान को नहीं मानता। वो कहते हैं जो भगवान को नहीं मानता, जो कुरान को नहीं मानता, वो नास्तिक। वो नास्तिक को क्या कहते हैं? हिंदू, काफिर। जो कुरान को नहीं मानता वो हिंदू, वो काफिर। और ये क्या कहते हैं? जो मूर्ति पूजा ना करे, जो भक्ति ना करे, जो भगवान को ना माने, वो नास्तिक। जबकि सच्चाई क्या है? जो भगवान को ना जाने। मानने वाला माना किसको जाता है? माना किसको जाता है? जो होता नहीं। याद आ रहा है भाई? आपके पास आपकी माँ बैठी हो, मैं कहूं कि मान लो ये तुम्हारी माँ है, तो क्या कहोगे? ये मेरी माँ है, इसको क्या मानू? क्या नहीं, कोई माँ की उम्र की बैठी हो तो आपको कहा जाए भी मान लो ये आपकी माँ है, अच्छा कोई बात। माना उसको जाएगा जो है नहीं, जो है उसे माना थोड़ा जाता है, उसे तो हम जानते हैं। इसी प्रकार से हाँ जी, हाँ। उसके बाद क्या होता है कि हमें कहा गया मानो तो भगवान है, नहीं तो पत्थर है। तो हमने कहा जी भगवान ही है, मान लेते हैं ये भगवान है। जितने मंदिर बने हुए क्या है? ये मानो तो भगवान है, नहीं तो पत्थर है। हमने मान लिया भगवान है। मानना और जानने में अंतर वो नहीं जानते, ये अंतर बाप ही हमें आकर समझाते। तुम भी रचता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे, कहीं तुम्हें अहंकार आ जाए कि हम बहुत बड़े हो गए थे। अब जानते हो, अब मैंने बताया कहते, वरना पहले तुम भी नहीं जानते थे। स्कूल में पहले अनपढ़ ही आते हैं, जब आप यहाँ हाँ जी बताया था, भूल जाते हैं ना, अनपढ़ आते हैं ना, तो स्कूल में पहले अनपढ़ ही आते हैं, फिर कहेंगे स्कूल में ये पढ़ा है। ठीक है कि नहीं? सीधा एग्जाम्पल देते हैं, अभी तुम हो ईश्वरीय पढ़ाई में, परमपिता परमात्मा तुमको पढ़ा रहे हैं, ये बुद्धि में समझना चाहिए। रचता तो एक है, रचता तो एक ही शिव बाबा है। रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा, शिव बाबा को रुद्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? रुद्र क्यों कहा जाता है? रुद्र का अर्थ क्या होता है? हाँ जी, रुद्राक्ष, वो रुद्राक्ष बोलते हैं। रुद्र उसी से लिया है रुद्राक्ष। रुद्र माना जीरो, रुद्र माना सिफर, रुद्र माना शून्य, रुद्र माना बिंदु। रुद्र का अर्थ है बिंदु, शून्य, जीरो, सिफर। आप वो जीरो सिफर बिंदु, उसके लिए उन्होंने वो मोती ढूंढ लिया। वो एक बीज है, उसका नाम उन्होंने रुद्राक्ष रख दिया। बस कि ये रुद्राक्ष है जी, वहां से मिला ये रुद्राक्ष। ये है वो रुद्र भगवान की आंख से बना हुआ रुद्राक्ष। इसमें एक आंख है, ये सबसे महंगा है। इसमें दो है, इसमें चार है, इसलिए इसका कम है। जिसकी गिनती ना है वो ढेर सारे हैं। ठीक है, मतलब कहने का है कि उन्होंने अपना धंधा बना दिया। लाइन समझ में आई? रुद्र का मतलब जीरो, सेफ और शून्य। अब रुद्र और शिव परमात्मा में फर्क तो कोई है नहीं। ये भी है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। सिर्फ रुद्र शिव की जगह पर कृष्ण का नाम डाल दिया।
है वही गीता। कहते हैं इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, तो स्वराज्य के लिए ये ज्ञान यज्ञ है, स्वराज्य के लिए। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ किसके लिए है कि मेरा और मैं राजा बन जाऊं, मैं राजयोगी बन जाऊं, स्वराज्य स्वयं को राजा बनाने के लिए इस अश्व को छोड़ा जाता है कि आप ये घोड़ा किसी के वश में आने वाला, चाहे वो काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे मोह हो, चाहे अहंकार हो, ये है हमारे शत्रु। ईर्ष्या, भय, बदले की भावना, निराशा, ये सारे दुश्मन है हमारे। ये किसी भी प्रकार से हमारे शरीर में आएंगे तो हमारी बुद्धि पर उसका असर पड़ेगा, है नहीं? शरीर में आ ही नहीं सकते, क्योंकि शरीर के द्वारा आएंगे ना, आत्मा से निकालना है, परंतु आएंगे, एंट्री इनकी शरीर के माध्यम से होती है। तो शरीर देह भान समझते हैं तो विकार सारे आते हैं। यज्ञ में सारी आहुति अर्थात सामग्री डालते हैं, सब स्वाहा कर देते हैं, तो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। तुम अब राजयोग सीख रहे हो, इस पतित दुनिया में फिर आएंगे नहीं, ये दुनिया फिर खत्म हो जाएगी। दुनिया क्या हो जाएगी? खत्म हो जानी है। तुम जानते हो नेचुरल कैलिमिटीज आदि सब होंगी, ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में बैठनी चाहिए, ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में बैठनी चाहिए। शिव बाबा कहते हैं मेरी बुद्धि में ही सारा ज्ञान है, बाप सत है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऋषि मुनि तो कहते हैं, क्या कहते हैं ऋषि मुनि, क्या सबूत है कि ऋषि मुनि नहीं जानते? नीति नीति नीति, हम नहीं जानते कि सृष्टि का आरंभ कहाँ है, सृष्टि का अंत कहाँ है, सृष्टि को किसने आरंभ किया, सृष्टि का अंत कौन करेगा, हम नहीं जानते। नीति नीति, हम नहीं जानते। इति माना आरंभ, इति माना अंत, इन्फिनिट। नेति का मतलब इन्फिनिट, अंग्रेजी में बोलते हैं इन्फिनिट, अनादि और अनंत दोनों तरफ पता नहीं है। अंग्रेजी में इन्फिनिट बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं नेति। हम नहीं जानते कब शुरू हुआ, हम नहीं जानते कब खत्म होगा, हम नहीं जानते किसने बनाया, कब बनाया, कैसे बनाया, इसलिए नेति 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 और ना इति। इसका इति का पता नहीं, इसका आरंभ कहाँ है और इसका अंत कहाँ, और किसने आरंभ किया और किसने अंत किया। तुमसे कोई पूछेंगे तुमको क्या मिला है, बोलो। जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि कहते थे कि हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, सो हम जानते हैं। आप कहोगे हम जानते, आपको पता लग गया, इसलिए तो आप ऋषि मुनि से बड़े हो। सुनिए बात, रचता बाप के सिवाय रचना के आदि मध्य अंत का राज कोई समझा नहीं सकता, रास्ता ही समझाएगा। तुमको मालूम है मक्खियों को भी, मक्खियों की भी एक रानी होती है, रानी के साथ पीछे पीछे सारी मक्खियां जाती हैं, रानी अर्थात माँ के साथ उनका कितना संबंध है, बेहद का बाप भी आते हैं तो सभी बच्चों को साथ ले जाते हैं। तुम जानते हो, क्या जानते हो, बाबा आया हुआ है, हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे शांति धाम में, फिर से हमारा सतयुग का पाठ शुरू होगा, फिर से हमारा सतयुग से पाठ शुरू होगा। जिस पाठ बजाने के लिए तुम ये देवी देवता पद पा रहे हो, यहां तुम आते ही हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। सब गुण यहाँ धारण करने हैं, इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, इनको दिव्य दृष्टि के सिवाय कोई देख ना सके। अभी तुम जानते हो हम सूर्यवंशी देवता बनेंगे, तुम्हारी बुद्धि में है कि स्वर्ग
कि राजधानी कैसे स्थापन होती है। सत्यों में थी था ही देवताओं का राज्य, परंतु देवताओं के राज्य में भी फिर राक्षस आदि दिखाए हैं, ये कोई जानते ही नहीं। भारत कितना पवित्र था, महिमा भी गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम डबल, उनों के आगे माथा भी टेकते हैं। मंदिर भी बहुत बने हुए हैं, परंतु ये पता नहीं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग का कब और कैसे स्थापन हुआ। भारत जो इतना ऊंच था वे नीच कैसे बना, ये किसी को भी पता नहीं है। कहते हैं ये भावी बनी बनाई है, ये भावी बनी बनाई है, मतलब किसी ने बनाया नहीं, भगवान ने भी नहीं बनाया, किसकी भावी है वे भी नहीं समझते। दुनिया वाले ये भी नहीं समझते कि भावी क्यों बनी हुई है। अब ये किसी का कोई नुकसान होता है तो कहते ना भावी, भगवान की मर्जी, सारा दोष किस में रखते आए, भगवान के ऊपर, भगवान की भावी भाई मर्जी, उसकी जो चाहे उसी की मर्जी चलनी है। हमारी मर्जी आज तक चली ना चली, हमारा छोटा बच्चा अभी पैदा हुआ अभी मर गया, मेरा पति 5 साल पहले शादी हुई थी मर गया, 2 साल पहले शादी हुई थी मर गया, मेरी पत्नी मर गई, मेरी माँ मर गई, मेरा भाई मर गया। रोजाना भी यही फोन आते, क्या करें भाई, क्या करें भाई, कैसे शांति करें, कैसे समझाए, हमारी बात तो सकती है उन आत्माओं से, हम उनसे माफी मांग ले, हमारी गलती हो गई, एक बार हमें मिलवा दो, एक बार बता दो कहाँ है। कभी मैं ऐसा, मैं ये काम नहीं कर सकता, ठीक है कि नहीं। ड्रामा का रचयिता क्रिएटर डायरेक्टर कौन है, सिर्फ कह देते ईश्वर की भावी, मर्जी आवे उसको बच्चा देवे, मर्जी आवे ना देवे, मर्जी आवे दे के फिर छीन लेवे, ये सारे जुल्म वही कर रहा है, वही सुख दे रहा है, यही काम है। वो तो यही कहते हैं ना, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो आवे दे बर तेरा करता, जो भी आवे तेरी करतार दे दे भाई, हम ले लेंगे, हम तेरी हर बात में खुश है, तो दुख देवे तो भी खुश है, तो सुख देवे तो भी खुश है, कर कुछ नहीं सकते ना, वरना तो किसी कोर्ट में मुकदमा डाल देंगे भगवान के खिलाफ। हाँ, दिखाई नहीं देता, ये सबसे बड़ी बात। ड्रामा कहने से ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना चाहिए कि जो कुछ हुआ 5,000 साल पहले भी हुआ था वही हुआ, इसलिए बिंदी फुल स्टॉप लगा दो। सिर्फ किताब पढ़ने से ड्रामा का पता नहीं पड़ सकता, जब तक जाकर कोई ड्रामा देखे नहीं, ड्रामा तो देखने से पता लगेगा ना। अब कहानी पढ़ लो वो तो मजा नहीं आएगा, जो देखने में मजा आएगा, जैसे अखबार में भी पढ़ा था एक कृष्ण चरित्र का ड्रामा बना हुआ है, परंतु तो देखने बिगर कोई समझ थोड़े ही सकता है। देखेंगे तब समझेंगे ड्रामा में ये सब होना है। तुम बच्चे भी ड्रामा को अभी समझते हो। मनुष्य कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्ल्ड ड्रामा वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की का ये चक्र चलता रहता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, इसमें इतिहास और भूगोल सारा, परंतु कैसे फिरता है ये किसी को भी पता नहीं। नाम लिखे हुए हैं युगे युगे, सतयुग त्रेता युग द्वापर युग कलयुग फिर संगम युग, परंतु मनुष्यों ने समझ लिया युगे युगे ही आते हैं, सतयुग त्रेता का भी संगम होता है, परंतु उस संगम का कोई महत्व क्यों महत्व नहीं है, बाकी संगम का कोई महत्व नहीं है, एक इस संगम का महत्व क्यों भाई, त्रेता द्वापर का भी संगम है, द्वापर कलयुग का भी संगम है, और कलयुग सतयुग के इस संगम को बड़ा महत्व दिया जा रहा है, तो बाकी संगम को क्यों नहीं। इसमें सारे उल्टे कर्म होते, बाकियों में इतने उल्टे कर्म नहीं। और भाई
क्या स्मृति दिलाते हैं, फिर उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क पड़ता है ऐसा बताने से? क्या फर्क पड़ता है? अब शरीर, अच्छा शरीर समझने की बजाय अब आपने आत्मा समझना शुरू कर दिया, क्या फर्क पड़ा? उतनी रोटी खाता है, उतने बजे उठता है, उतने काम करता है। हाँ जी, असली पॉइंट पर नहीं पहुंच रहे हो, देख लो। असली पॉइंट ये है कि बाकी सभी संगम पर हम गिरते हैं। सत्युग से त्रेता में आए तो भी गिरे, त्रेता से द्वापर में आए तो गिरते, गिरना नहीं रुका। केवल एक ये संगम है जहां बाप आकर हमें गिरती कला से चढ़ती कला में करते, ज्ञान देकर हमें गिरती कला से कहां करते हैं, ये कारण है। हाँ, बाकी कभी नहीं आता। छुड़ाओ, सत्युग त्रेता पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई बात नहीं, थोड़े थोड़े आया, रहने दे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चूहा कूदने लगा, भूख लगने लगी, कोई बात नहीं। द्वापर में आके थोड़ा ज्यादा भूख लगी तो हमने शोर मचाना शुरू किया, कलयुग में आके तो अति हो गई, तो फिर तो हमने रोना चिल्लाना क्या क्या करना शुरू कर दिया। तो फिर जब चूहे बहुत मोटे मोटे हो गए तो फिर भगवान कहता है अब तो जाना पड़ेगा भाई, अब तो इनको भूख पेट भरना पड़ेगा। सत्युग त्रेता का भी संगम है, परंतु उस संगम का कोई महत्व नहीं, वहां तो कुछ होता नहीं। ये बातें तुम जानते हो कि सत्युगी सूर्य वंशियों ने फिर चंद्र वंशियों का राज्य कैसे दिया? ऐसे नहीं कि चंद्र वंशियों ने सूर्य वंशियों के साथ कोई लड़ाई की और उन्होंने कुछ जीता, नहीं। ऑटोमेटिक सूर्य वंशी भी क्या बन गए? चंद्र वंशी। और जो नई नई आत्माएं आई उनको राज संभाल दिया, तुम राजा बन जाओ, हम प्रजा में आ जाएंगे, कोई बात जो नहीं। जो चंद्रवंशी का राजा होता है, सूर्यवंशी के राजा रानी उनको राज्य भाग्य का तिलक दे तख्त पर बिठाते। सूर्यवंशी वाले जो राजा थे, क्योंकि बच्चा चंद्रवंशी आ गया, 74% हो गया, तो जो कम आए, जो भी आएगा अपने बच्चे को राजगद्दी पर बिठाएंगे ना। माँ बाप सूर्यवंशी और बच्चे चंद्रवंशी, क्यों नहीं, तो बिठाएंगे ना राजगद्दी पर। राजा राम रानी सीता का टाइटल मिल जाता है, वहां पर लक्ष्मी नारायण का टाइटल मिलता है, और यहां पर राम और सीता का टाइटल मिलता है। परंतु राम सीता दशरथ वाले नहीं, इसलिए कबीर ने गाया, दशरथ सुत राम त्यों लोक बखाना, राम नाम का मर्म न जाना। कि राम का मतलब क्या है ये दुनिया वाले नहीं जानते। किसने दिया? कहेंगे सूर्य वंशियों ने ट्रांसफर किया, अब तुम राज्य करो। जो सीन तुम बच्चों ने साक्षात्कार में देखी है, बाकी कोई लड़ाई आदि नहीं लगती है। जिस जैसे किसको राजाई दी जाती है वैसे देते हैं, उनके पैर आदि धोकर उनको राज तिलक देते हैं। वहां कोई गुरु गोसाई तो होते नहीं, खुद ही माता पिता उनको स्नान आदि करा करके उनको राजगद्दी पर बिठाते हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम देवी स्वभाव वाले बनते हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में हम कितने सुखी होंगे। बाबा हमको दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं, और कोई सुखी बना ना सके। साधु लोग खुद भी चाहते हैं कि हम शांति धाम में जाएं। बाप कहते हैं मैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार कर सबको शांति धाम में ले जाता हूँ। सन्यासी तो आते ही द्वापुर में है, स्वर्ग में हम देवताएं ही रहते हैं, वहां भी सेक्शन अलग अलग है, एक सूर्यवंशियों का सेक्शन और दूसरा है चंद्रवंशियों का सेक्शन परम धाम में। और अब फिर बाद में द्वापुर से कौन आते हैं? इस्लामी, बौद्धी, सन्यासी, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख, ये दुनिया भर के जो पंथ हैं, ये सब द्वापुर के बाद आते हैं। सबका सेक्शन अलग अलग है। अब हम
राज्य करते थे तो दूसरा कोई था नहीं। मूल वतन में भी ऐसी माला नंबर वार बनी हुई है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की है पहली बिरादरी, फिर और बिरादरियां निकलती हैं। ये बिरादरी है बड़े से बड़ी, दूसरे जो भी धर्म स्थापक आते हैं सब उनसे निकले हुए हैं। तुम कहेंगे इस्लामियों की है सेकंड नंबर बिरादरी, फिर बौद्धियों की है थर्ड नंबर, हम ना फर्स्ट, बाकी हम है फर्स्ट, बाकी हर की और छोटे छोटे तो लाख होंगे। यहां तो ये मुख्य है चार बिरादरियां। पहले पहले हम आते हैं, फिर इस्लामी आते हैं, फिर बौद्धी आते हैं, क्रिश्चियन आदि आते हैं। हम अभी नीचे गिरे गए हैं, हमको ही 84 जन्म ले पार्ट बजाना पड़ता है। जो अभी लास्ट में है वही फिर फर्स्ट में होंगे। देवी देवताएं अपतित होने के कारण अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते, देवताओं को तो पूजते हैं। इससे सिद्ध है कि उनके बिरादरी की है, तभी तो उनकी पूजा कर रहे हैं। सिख लोग गुरु नानक को मानते हैं, उनकी बिरादरी के हैं। सतयुग में पहला नंबर हमारी बिरादरी है, उनसे ऊंच कोई होता नहीं, होती नहीं, हम ऊंचते ऊंच बिरादरी वाले हैं। हम सबसे जास्ती सुख भोगते हैं, फिर वही कंगाल बनते हैं। सबसे जास्ती दुखी ये है, कर्जा भी ये लेते रहते हैं। कितने सौकार थे, अभी कितने गरीब हैं, सब कुछ गंवा बैठे हैं। ये है ही दुख धाम, अब फिर बाप तुमको सुख धाम का मालिक बनाते हैं। बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम, आधा कल्प तुम सुख भोगते हो, बाकी सब शांति में रहते हैं। चाहते भी हैं हम मुक्ति में जाएं, सुख को काग विष्टा समान समझते हैं। उनको सुख धाम का अनुभव ही नहीं, तो वहां के बारे में वो संकल्प क्यों करेंगे। लड्डू जिन्होंने खाया होगा वही तो लड्डू मांगेगा, जिसने कभी लड्डू चखा ही नहीं वो लड्डू मांगेगा क्यों। महिमा भी गाते हैं परंतु पतित होने के कारण भूल गए हैं। अब बाप याद दिलाते हैं, भारतवासी तुम देवी देवता धर्म के हो, द्वापर से नाम बदली कर दिया है। देवता धर्म वाले ही पतित बन गए हैं, गाते भी रहते हैं पतित पावन आओ। बाप ने बताया है तुम अब कितने भाग्यशाली हो, कितना जन्म पावन दुनिया में थे, कितने जन्म पतित दुनिया में हैं, अब फिर पावन दुनिया में जाना है। ये पाठशालाओं की भी पाठशाला है, यज्ञों का यज्ञ है, सारी पुरानी दुनिया इसमें खत्म होनी है। होलिका जलाते हैं। ये सब पर्व अभी के हैं, आत्मा चली जाएगी बाकी शरीर खत्म हो जाएंगे। ये नॉलेज कोई सन्यासी आदि के पास वो दे नहीं सकते। गीता में कुछ परंतु आटे में नमक जितना सच है, बाकी ज्ञान प्राय लोप हो गया। शिव बाबा कहते हैं हमने ये यज्ञ रचा, इनमें तन मन धन सब स्वाहा करना है। क्या करना है, तन भी मन भी और तन सारा स्वाहा करना। ये जीते जी मरते ही, जीते जी क्या करते हैं, ये ज्ञान तुमको अब भी मिल रहा है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार,
सुख धाम में जाने के लिए अपनी देवी स्वभाव बनाना है। ड्रामा के आदि मध्य अंत के राज को बुद्धि में रख हर्षित रहना है। सबको यही राज समझाना है। स्वराज्य लेने के लिए इस बेहद यज्ञ में जीते जी अपना तन मन धन स्वाहा करना है। सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर लेना है। वरदान, सर्व आत्माओं पर स्नेह का राज्य करने वाले विश्व राज्य अधिकारी भव। वरदान कैसे मिलेगा? जो बच्चे इस वर्तमान समय सर्व आत्माओं के दिल पर स्नेह का राज्य करते हैं, वही भविष्य में विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। अभी किसी पर ऑर्डर नहीं चलाना, अभी से विश्व महाराजा नहीं बनना, अभी विश्व सेवाधारी बनना है। स्नेह देना है, देखना है कि हमने कि अपने भविष्य के खाते में स्नेह कितना जमा किया है। विश्व महाराजन बनने के लिए सिर्फ ज्ञान दाता नहीं बनना। सिर्फ ज्ञान देने से हमने उसको प्रदर्शनी करा दी, हमने उसको सारा कोर्स करा दिया, मैंने उसको रोजाना मुरली सुना दी, तो वो क्या बन गया? हमारा काम हो गया? नहीं। इसके लिए सबको स्नेह अर्थात सहयोग दो। सबको स्लोगन, जब थकावट फील हो तो खुशी में डांस करो, थक जाओ तो क्या करो? समझ में आया? थक जाओ फिर डांस करो। बाकी सारे कहते थक जाओ तो बैठ जाओ, यहाँ कहता है थक जाओ तो क्या करो? खुशी में। इस डांस में थकावट नहीं होती, इस डांस में मूड चेंज हो जाएगा। इसमें सिर भी नहीं लाना, हाथ भी नहीं लाना, और बाबा को याद करो और खुशी का ज्ञान डांस करो। क्या बाबा ने दिया? ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क कर ले। यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर व्हाट्सएप करें। ओम शांति।